वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपनी मैगी के साथ मेन हाईवे पे हूँ। यह है बाईपास हाईवे, जैसे एक्सीड हो रहा है। और आज मौसम कतई बढ़िया था, एकदम मस्त मौसम था आज। और भाई ये देख सकते हो, और ये रहा हमारा मैगी। तो मेरे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास है GoPro Hero 8 Black। और आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है इसका 100% बैटरी में कितना टाइम आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐसा प्लान होता है कि GoPro खरीदने का, और उन लोगों को पता होता है कि अगर आप 100% जो है चार्ज करोगे तो कितना ज़्यादा है जो बैटरी आप लोगों का कंज्यूम होता है, मतलब सॉरी, मतलब 100% चार्ज पे कितना टाइम आप लोग ब्लॉक कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत कम टाइम है। तो मैं सिंपल से बोल लेता हूँ, लेकिन आज हम एक्यूरेट टाइम जो है आज हम देखने वाले हैं कि कितना टाइम लगता है। तो पहले मैं हेलमेट को उतारूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि GoPro का सेटिंग क्या है और चार्ज कितना है, 100% है कि नहीं, आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर मैं जो है ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, राइड करूंगा। बस रोड है, मौसम भी बहुत सही है, राइड करेंगे। और जब बैटरी जो है ख़त्म हो जाएगा, हम बीच बीच में देखते रहेंगे और एंड पे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज बैटरी अभी बचा हुआ है। तो टाइम हम लोग को पता हो जाएगा कि 100% में कितना टाइम गया ब्लॉग। तो चलो देखते हैं, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को GoPro में दिखाता हूँ। तो ये है GoPro, मैं इसको ऑन करता हूँ अभी। तो ऑन हो गया है भाई, फोकस हो जा, फोकस हो जा। ये देख सकते हो आप, बैटरी जो है 90% है और स्टैंड 2.7K 60fps और सुपर जूम रिजोल्यूशन जो है 2.7K है, 60fps पे रिकॉर्ड कर, सुपर व्यू, GoPro का व्यू है और 90% है। तो हम देखें कि 90% में कितना हो जाएगा। तो एज्यूम कर लें कि 10% में कितना ही मतलब वो हो जाएगा, हम प्रॉपर एक आइडिया निकाल सकते हैं कि फुल बैटरी पे जो है कितना हम जो है ब्लॉक कर सकते हैं GoPro Hero 8 Black से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो है मैं GoPro में आने वाला हूँ, फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँगा और GoPro में स्टार्ट कर दूँगा। और एंड में हम लोग को पता चल जाएगा कि 90% पे कितना हमने ब्लॉक किया, कितना रिकॉर्ड हुआ, और एंड में हम एज्यूम कर लेंगे 100% में कितना हो जाएगा। तो चलो GoPro में मिलते हैं। तो अभी जो है GoPro ऑन है और मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हाँ, रिकॉर्डिंग अभी चालू है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना राइड। चलो GoPro में मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हाँ, रिकॉर्डिंग अभी चालू है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना राइड। चलो GoPro में मिलते हैं। आज मौसम तो बड़ा ही अच्छा है, राइड करने के लिए बहुत ही सही मौसम है। वैसे मैं गुवाहाटी से आ रहा था, बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो मुझे लगा कि नहीं ब्लॉक कर रहा था, मतलब खुला रास्ते में स्टार्ट करेंगे। और चलो मैं वाइजर ऑफ कर लेता हूँ। तो मैंने उधर ही तो वीडियो चालू कर लिया था, लेकिन मेरा जो है मोटो व्लॉगिंग का जो इंट्रो है मैं वो चालू करता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, होप यू आर ऑल गुड और आप लोग बढ़िया होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और बढ़िया ही रहना। मैं तो भाई बहुत ही चंगा हूँ। तो आज जो है हम क्या करेंगे, मैं ऐसा सोच रहा था कि बीच बीच में हम उतर के देखेंगे कि बैटरी कितना ड्रेन हुआ और टाइम कितना कंज्यूम हुआ, लेकिन मैं अभी एक
बात जो है दिमाग में सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि वैसे 90% है तो ऐसे ही चालू कर देता हूँ कैमरा, और जो है पीसी पे जाके ये वाले क्लिप्स जो है मैं जब एडिटिंग पे डालूँगा तो ऑब्वियस है पूरा क्लिप्स जो है मुझे मिल जाएंगे, और उधर हमको जो है टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम का जो है क्लिप्स GoPro ने रिकॉर्ड किया 90% में, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा कि GoPro ने कितना रिकॉर्ड किया 90% पे। तो उसके बाद जो है हम एक नॉर्मल सा जो है एजम्पशन कर लेते हैं कि कितना मतलब 100% में कितना रिकॉर्ड किया उसने, क्योंकि 10% ही तो मतलब वो है शॉर्टेज है हम लोगों का। नहीं 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 मुझे वीवी एक्टिव नहीं करना है, मैं तो आते टाइम इतना मस्त जो है बाइक भगाया हूँ, 80-90 पे क्रूज किया, एकदम ही स्पीड नहीं लिया, एकदम मस्त सेफली आया मैं, तो जाते टाइम भी जो है मैं सेफली जाऊँगा, मुझे इतना कुछ जो है स्पीडिंग नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है भाई, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होकर रखा है ना लोगों का, इधर वो मर गया इधर ये मर गया, तो स्पीडिंग नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये जो है वीडियो टच हो ही जाता है, क्या करें आदत से मजबूर है ना। लोगों को तो हम ज्ञान चलते हैं कि स्पीडिंग मत करो सेफ चलाओ, लेकिन आदत से मजबूर है भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं आते टाइम बहुत कोशिश किया, जब मैं घर से गुवाहाटी आया बहुत कोशिश किया, एकदम ही मस्त बाइक चलाया 80-90, और अभी भी है, अभी भी जो है मैं मस्त 80-90 भगाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे इतना लगता है कि जो टाइम जो है ये कंज्यूम करेगा 90% में कितना क्लिप्स आएगा टाइम, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 40 मिनट उसके ऊपर तो आने से रहा, क्योंकि GoPro का जो बैटरी तो है वो बहुत ही फास्ट ड्रेन होता है, बहुत ही फास्ट मतलब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स। आप लोगों को अगर ब्लॉक करते हो दूर दूर जगह जाते हो तो आप लोग जो है बस GoPro के एक बैटरी के साथ आप लोग मतलब रिलाय नहीं हो सकते, आप लोग का एक्स्ट्रा बैटरी जो है और पावर बैंक जो है और बैटरी चार्ज जो चार्ज होता है वो केस जो है आप लोग को ख़रीदना पड़ेगा, एक केस होता है जहाँ आप लोग जो है 2 या 3 बैटरी जो है पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो, तो उसको जो है आप लोगों को बैग में रखना पड़ेगा, और आप एक बैटरी यूज़ करोगे आधा घंटा जो है निकल गया बैटरी ख़त्म हो गया, आपको फिर से उसको वो केस पर डाल के उसको चार्ज पर लगाना होगा पावर बैंक से और दूसरा बैटरी निकालना होगा, तो इस तरह से जो है लॉन्ग राइड पे आप लोग को ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। GoPro खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं कि GoPro का बैटरी जो है 2-3 घंटा चलता है फ़ोन की जैसा, और आप लोग जो है एक मस्त 2-3 घंटे का राइड एक ही मतलब कैमरा लेके आप उठा लिए और चल पड़े और हो जाएगा, नहीं होता ऐसा, मेरा भी वही, मैं पहले रिसर्च नहीं किया इतना बैटरी के हेल्थ के बारे में GoPro का, GoPro खरीद लिया, फिर GoPro खरीदने के बाद एक GoPro के साथ आप लोग का मेमोरी कार्ड भी नहीं आता, तो मैं एक मेमोरी कार्ड खरीदा और फिर लगा के मैं फर्स्ट जो है GoPro से ब्लॉग करने चला गया, वैसे आप लोग देख सकते हो मेरा फर्स्ट ब्लॉग क्या हो रहा है, आप लोग मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख सकते हो, उधर मैंने मेरे बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में बोला हुआ था, जो भी हो, तो मैं उस दिन गया ब्लॉग करने को तो 20 मिनट हो गया मैं ऐसे ही मतलब शूट कर रहा हूँ बाइक के बारे में बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने जब GoPro चेक किया तो GoPro में बस 32% बैटरी बचा हुआ था, मुझे लगा अरे ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा था कि फ़ोन जैसे 2-3 घंटा फ़ोन चलता है हम लोग का, मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा 2-3 घंटा तो हम मतलब शूट कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब मेरा जो गंदा हालत हुआ उस टाइम में मतलब हुआ है 20 मिनट बस 20 मिनट तक ख़त्म हो गया, बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, ख़राब लगा मुझे। फिर उसके बाद जो है रिसर्च वगैरह किया तब मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है,
अब जाकर जब थोड़ा सा मतलब ज्ञान आया है दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बस बता देता हूँ कि कैसा होता है। ब्लॉगर लोग जो लोग हैं, मोटर ब्लॉगर, जैसे मैं भी एक मोटर ब्लॉगर ही हूँ लेकिन जो मतलब लॉन्ग राइड करते हैं उन लोग कैसे करते हैं कि केस रखते हैं जहाँ पे गोप्रो का बैटरी चार्ज कर सकते हैं। गोप्रो का पोर्टेबल 3 बैटरी होता है या फिर 2 बैटरी होता है, ऐसा केस आता है। और पावर बैंक रखते हैं बैग में जिससे चार्ज करते हैं गोप्रो की बैटरियों को। तो ऐसा कुछ जो है सीन है। और मेरा जो है मैक्स टू मैक्स इस मैं सेटिंग्स में रखता हूँ। मेरा जो GoPro का सेटिंग्स है वो है 2.7K रिजोल्यूशन और सुपर व्यू और जो है 60 FPS। तो इस वाले पे मुझे मोस्टली जो है 40 मिनट का बैकअप तो मिल जाता है, 40 मिनट का बैकअप मिल जाता है, 40 या 35 ऐसे। तो आज मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर एक्यूरेट में आप लोगों को जो है टाइम बोल दूंगा कि कितना टाइम जो है लगता है, सॉरी कितना टाइम जो है आप लोग ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे आगे एक R15 जा रहा है और जब मैं इसको ओवरटेक करूँगा, अगर इसको नहीं भाई बंदी के साथ है तो नहीं करेगा, अगर अकेला कोई बंदा हो और मैं अगर इसको एमटी से ओवरटेक करूँ, भाई साहब वो तो उड़ के आते मुझे ओवरटेक करके चला जाएगा। मतलब हम लॉन्डो का जो है खून में है ये, अगर कोई हमको ओवरटेक करके गया हम ट्राई तो करते हैं कि नहीं इसको तो ओवरटेक करना ही है, ट्राई करते हैं। मैं इसलिए बोला क्योंकि अगर आपके पास एक 200cc का बाइक है और आपने एक 400cc मान लो डोमिनेट से पंगा ले लिया भाई वो तो कहाँ निकल जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है इससे बोल रहा हूँ। डोमिनेट वाले, ड्यूक वाले, ओहो उन लोगों को अगर गलती से भी ओवरटेक कर लो ना भाई, ओवरटेक करेंगे ही करेंगे आपको वैसे मैं भी करता हूँ। लेकिन जो भी हो इंजन का रिफाइनमेंट प्लस 155cc होने के बाद भी जो स्पीड आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है, ओए होए होए चुम्मा चुम्मा भाई चुम्मा। आज बहुत ज़्यादा ही मतलब विंड ब्लास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली फील हो रहा है बाइक जो है एकदम रुक के चल रहा है, मतलब एकदम फील हो रहा है कि कोई भाई ड्रैग कर रहा है पीछे। मुझे VVA एक्टिव नहीं करना है, 80 टू 90 स्पीड पे मुझे क्रूज करना है और वैसे ही चलाना है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके गलती ना भी हो तो दूसरों के गलती के कारण आपका तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप थोड़ा सा कम स्पीड पे हो तो क्या बता, आप ब्रेकिंग करके रोक भी सकते हो बाइक को और आप बच भी जाओ क्रैश से। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक ऐसा ट्रक जा रहा था और उसने बिना इंडिकेटर के झन करके लेफ्ट काट लिया, भाई मेरा तो हाल हुआ ना गंदा, मुझे लगा कि आज तो क्रैश हो गया। 120 स्पीड पे था मैं, फिर जो है मैंने क्या किया दिमाग लगाया और स्पीड को कम ना करके ज़्यादा बढ़ा लिया और छोटा खींच के मैं लेफ्ट साइड से जो है आगे चला गया और मैं बच गया। लेकिन हर रोज़ ऐसा जो है हम लोग का साथ नहीं हो सकता, तो स्पीडिंग जितना मत करो, आराम से चलो, कुछ गड़बड़ी होने पर आप बाइक रोक भी सकते हो। वैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन कब जो है मेरा GoPro का बैटरी खत्म हो जाए मुझे पता नहीं कब GoPro का बैटरी खत्म हो जाए पता नहीं, वैसे मैं तो बात तो कर रहा हूँ अभी। लेकिन जो भी हो मैं घर पहुंचते ही जो है क्लिप्स को PC में डाल लूँगा, फिर उसको सिंक करके। वैसे आप लोग को और एक बात बता दूँ कि GoPro का जो क्लिप्स है वो मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे का, 2 घंटा तो होता ही नहीं कि आपने 2.5 घंटे का जो है आपने
ब्लॉग किया और पूरा 2.5 घंटा एक ही क्लिप में जमा होता है, ऐसा नहीं होता है, पार्ट बाय पार्ट जमा होता है। GoPro जो है आपका 3.82 GB का जो है 10 मिनट या 9 मिनट का या फिर 8-7 मिनट का ऐसा क्लिप्स बना के जो है वो स्टोर करता रहता है पार्ट पार्ट करके। तो आप लोग को क्या करना होता है कि जब आप लोग एडिटिंग करोगे तो आप लोग को सॉफ्टवेयर में जो है वो वाले क्लिप्स जो है आप लोगों को सिंक करके डालना होता है कि इसके ये वाले क्लिप्स के पीछे ये वाला क्लिप है, तो वैसा करके आप लोगों को जो है सिंक करना होता है कि आप लोगों को सिंक करना होता है। तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को जो है प्रॉपर टाइमिंग बोल दूंगा कि कितना टाइम जो है इसने रिकॉर्ड किया, तो आप लोगों को इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग अगर GoPro खरीदते हो तो इसका जो बैटरी है वो कितना टाइम आप लोगों को ब्लॉक करने के लिए आप लोगों को देगा। सो हे गाइस, अभी जो है रात हो गया है और मैं घर पहुंच गया हूं, और मैंने जो आपको बोला था कि मैं जो है जो क्लिप्स है GoPro का वो कट हो जाता है, तो उसको मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालूंगा और उसके बाद जो है हमको प्रॉपर्ली मतलब मालूम चल जाएगा कि कितना टाइम का जो है क्लिप्स रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा PC, तो PC में आप लोग देख सकते हो ये जो है मेरा ये सब पार्ट बाय पार्ट हो गया है क्लिप्स। तो एज यू कैन सी, ये देखिए एक क्लिप, तो मैंने जो है कुछ भी कट वगैरह नहीं लगाया है, आप देख सकते हो ये सब एकदम पूरा प्रॉपरली है। इस क्लिप के बाद ये देखिए सेकंड क्लिप आया है, देख सकते हो आप कुछ भी कट वगैरह नहीं है। और इधर आप टाइम देख सकते हो, 48 मिनट्स 45 सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो बैटरी था वो 90% से चालू हुआ था और 90% में जो है 48 मिनट का क्लिप्स जो है रिकॉर्ड हुआ है। और अब मान के चलो कि अगर 100% होता तो अप्रॉक्स 1 आवर का जो है बैटरी मिल जाता हमको। तो अगर आप GoPro खरीदते हो और 2.7K का अगर आप रखते हो रिजोल्यूशन और सुपर व्यू होता है और 60 FPS, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 1 आवर का जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा फुल चार्ज पे। तो यही था आज का वीडियो, आप लोगों को होपफुली GoPro के बारे में कुछ आइडिया मिल गया होगा अगर आप ख़रीदने वाले हो। तो अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करो और वीडियो जो है शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।